बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर सीधे बैतूल से, जहां सीएम कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के पक्ष में वोट मांगे, कहा कि हमने 80 दिनों में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, कुछ दिनों बाद बाकी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो जाएगा, चौपना के लोगों की रक्षा मैं करूंगा, सीएम कमलनाथ ने कहा। वहीं आज का नौजवान काम चाहता है, जनता ने मामा को तो रवाना कर दिया, अब चौकीदार को भी रवाना कर देगी। लगातार सीएम कमलनाथ चुनावों को लेकर के धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं, लगातार चुनावी सभाएं यहां पर सीएम कमलनाथ के द्वारा की जा रही हैं, और इसी के चलते बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के पक्ष में यहां पर मतदान करने की अपील की, और साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने 80 दिनों में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया है, और कुछ दिनों बाद जब आचार संहिता हट जाएगी उसके बाद 2 लाख तक का कर्ज और माफ किसानों का किया जाएगा, चौपना के लोगों की रक्षा का मैं यहां पर वचन देता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि आज का नौजवान काम चाहता है, साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने मामा को तो रवाना कर दिया है और अब चौकीदार की बारी। वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद